पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल कोलकाता में एक रैली के दौरान लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तृणमूल कांग्रेस के सभी 42 उम्मीदवारों की घोषणा की। टीएमसी की लिस्ट में कुछ हस्तियों के नाम काटे गए हैं। इनमें एक बड़ा नाम जादवपुर लोकसभा क्षेत्र से टीएमसी सांसद और एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती का है। हालांकि इसी साल 15 फरवरी को मिमी चक्रवर्ती ने पार्टी के स्थानीय नेतृत्व के साथ नाखुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपना इस्तीफा सौंप दिया था, जिसे पार्टी प्रमुख ने स्वीकार नहीं किया था। 2024 के आम चुनाव के लिए ममता बनर्जी ने जादवपुर सीट से मिमी चक्रवर्ती की जगह एक्ट्रेस सायोनी घोष को उम्मीदवार बनाया है। सायोनी घोष शिवलिंग की एक विवादित तस्वीर वाली सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सुर्खियों में आई थी। आइए जानते हैं उनके बारे में। सायोनी घोष एक राजनेता के अलावा बंगाली फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री हैं। वे एक गायिका भी हैं। वे पश्चिम बंगाल तृणमूल युवा कांग्रेस की अध्यक्ष भी हैं। वे 24 फरवरी 2021 में टीएमसी में शामिल हुई थी। मार्च 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में आसनसोल दक्षिण से टीएमसी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उस चुनाव में वे बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल से हार गई थी। जून 2021 में उन्हें टीएमसी की युवा शाखा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इससे पहले अभिषेक बनर्जी इस पद पर थे। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वे टेबल टेनिस की प्लेयर रही हैं। उन्होंने भरतनाट्यम भी सीखा है। जादवपुर यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान उन्हें एक्टिंग के ऑफर मिले और इस तरह उन्होंने अभिनय जगत में कदम रखा। फरवरी 2015 में महाशिवरात्रि पर सायोनी के ट्विटर अकाउंट से शिवलिंग की विवादित तस्वीर पोस्ट हुई थी। बाद में सायोनी ने दावा किया कि उनका अकाउंट हैक कर लिया गया था और उन्होंने पोस्ट के लिए माफी भी मांगी थी। उन्होंने विवादित ट्वीट डिलीट कर दिया था, लेकिन मेघालय के पूर्व राज्यपाल और बीजेपी नेता तथागत रॉय ने सायोनी घोष पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज करा दी थी। सायोनी घोष ने इसी साल 4 जनवरी को बर्धमान में एक जनसभा के दौरान दावा किया था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विकास के एक हिस्से के रूप में ऐतिहासिक कर्जन गेट की स्थापना की। इस दावे पर उनकी काफी आलोचना हुई थी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।